पोएम का जो सेकंड टाइटल है, दो टाइटल्स है, मैडम विदाउट एंड मैनी वर्ड्स एंड लेडी टू आंसर डायरेक्टली जी और ने। इसके अंदर वो बताता है कि मैडम विदाउट एंड मैनी वर्ड्स यानी कि मैडम जो है, मैडम वो अपनी बिलव्ड को जो है वो एड्रेस करते हुए कहता है कि विदाउट एनी मैनी वर्ड्स मतलब इतने ज्यादा वर्ड्स के बगैर मुझे एक ही बार में बता दो कि भाई तुम क्या चाहती हो, रादर यू वांट टू बी विद मी और यू वांट टू लिव मी। ठीक है कि क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, आर यू फेथफुल विद मी और नॉट, और इफ यू आर, वो कहते हैं कि तुम जो इतने बहाने करती हो मेरे साथ और तुम जो इतना मुझे जो है इतने जो एक्सक्यूजेस देती हो, यू हैव टू टेल मी इन अ शॉर्ट एंड कंसाइज में rather you want to be with me or not। अब यहाँ पे देखें the lady to answer directly with he or no, कि वो अपनी लेडी से कह रहा है कि वो उसको आंसर करे विद यस और नो इन वेरी स्मॉल वर्ड्स, रादर वो यस या नो में आंसर करे कि वो उसके साथ रहना चाहती है या वो उसको छोड़ना चाहती है। यहाँ पे देखिएगा जो मेन इसकी थीम है वो ये है कि वीमेन इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। द पोएट हियर वांट्स टू शो दैट कि ये जो वीमेन है ये मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग है। मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स वंस आई एम श्योर यू विल और नो, वो कहता है मैडम टेल मी विद इन वन और सिंपल वर्ड्स अबाउट योर लव वंस आई मे श्योर यू विल और नो, कि वेदर यू वेदर और नॉट यू विल मेक अप योर माइंड विद मी और नॉट, कि तुम यानी कि मेरे साथ रहना चाहती हो और या कि तुम मुझे कोई पॉजिटिव जो है वो रिप्लाई दोगी, and if you will then leave your words, wo kehta hai ki agar to tum jo hai positive answer deti ho then leave your words, words kehte hain gestures ko, tricks ko, wo kehta hai don't be formal now, theek hai agar to tum mere sath rehna chahti ho to don't be formal, don't use two faced jo hai wo kehta hai ki do tarfa statements jo hai two sided statements jo hai unko mat use karo, aur and use your wit और जो है अपनी डोंट बी फॉर्मल एंड यूज योर वेट यानी कि अपना कंसेंट मुझे जाहिर करो एंड श्रू और इट सो यानी कि अपनी अकल इस्तेमाल करो एंड श्रू इट ऑन एंड एक्ट अपॉन इट यानी कि एक ही दफा डिसाइड कर लो, यूज योर वेट यानी कि एक ही दफा सोच लो एंड देन डिसाइड इट एंड देन एक्ट अपॉन इट रादर देन के डोंट डू लेम एक्सक्यूजेस। और वो कहते हैं कि मतलब तुम टू साइडेड जो बात करती हो वो मुझसे मत करो, डोंट डू जेस्चर्स ट्रिक्स एंड डोंट बी फॉर्मल विद मी, क्लियर कट टेल मी या काइंडली टेल मी क्लियर कट के वो जो है उसके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती। फॉर विद अ बैक यू शैल मी कॉल, वो कहता है विद अ बैक, बैक कहते हैं बैक अगेन जो है नॉड को, जेस्चर्स को, कि तुम जो है फॉर विथ अ बैक कि तुम जो मुझे नॉड से जैसे ट्रिक से बताती हो, यू शैल मी कॉल, तो वो कहते हैं ये मेरे लिए इट इज वेरी पेनफुल मी टू बी कॉल्ड विद अ नॉड और जेस्चर यानी कि तुम मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करती, तुम मुझे जेस्चर से कॉल करती हो यानी कि तुम छुपे अंदाज में तुम मुझे कॉल करती हो और लोगों को ये शो नहीं करती, तो ये चीज जो है वो मुझे बहुत ज्यादा दुख देती है। एंड इफ वन ऑफ देम दैट बर्न्स अवे we have pity or ruth at all, aur wo kehta hai and I am burning in my heart for you and if one aur tumhari isi harkat ki wajah se that one always ye mujhe hamesha jo hai mere dil ko jalati hai ki tum jo hai with tricks aur tum gestures ya nods se ya isharon se mujhe bulati ho to ye cheez mujhe burn bhi karti hai aur ye cheez mujhe hurt bhi karti hai। ये हैव पिटी और रूथ एट ऑल, या तो तुम पिटी कर लो, ठीक है हमदर्दी कर लो, या तुम रूथ कर लो एट ऑल, रूथ यहाँ पे कंपैशन को, वो कहते हैं या तो तुम यू हैव नो पिटी फॉर मी एट ऑल, और वो कहता है और रूथ एट ऑल, ना तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो है पिटी है ना तुम्हारे लिए रूथ है, और अगर है इफ यू हैव पिटी और रूथ एट ऑल, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वाकई पिटी या रूथ है, मेरे लिए कंपैशन है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है, आंसर हिम फेयर, तो
मुझे या मेरी मोहब्बत को हिम वो अपने लव को कह रहा है, और लव को उसने हमेशा अपनी पोएम्स के अंदर पर्सोनिफाई किया। तो वो कहता है कि मेरी मोहब्बत को, मेरे लव को तुम जो हो उसको क्लियर कट जो है वो बताओ, यस और नॉट, ये और नो में मुझे बताओ, तुम यस और नॉट में बताओ अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई कंपैशन है। इफ इट बी ये और अगर ये यस है, आई शैल बी फेंट, तो मैं ग्लैड हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। इफ इट ने फ्रेंड्स रेड बिफोर, और अगर तुम इनकार करती हो तो हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। यू शैल एन अदर मैन ऑब्टेन, तुम्हें एक और मर्द मिल जाएगा, यानी कि तुम्हें अपना लवर एक और मिल जाएगा। एंड आई माई ऑन, और मुझे अपनी महबूबा मिल जाएगी, मतलब मुझे भी अपनी बिलव्ड मिल जाएगी। एंड यूर्स नो मोर, और मैं फिर तुम्हारा कभी भी नहीं रहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो देख बता रहा है अगेन जो है वीमेन की डिसलॉयलिटी, सेम थीम्स जो हमने पहले पोएम्स में भी पढ़ी थी वही यहाँ पे है, पर इसके अंदर जो है बाकी पॉइंट्स में उसने यस और नो में आंसर नहीं पूछा अपनी मिस्ट्रेस से। यहाँ पे वो डायरेक्टली एड्रेस करता है और अपनी जो बेलव्ड है उसको डायरेक्टली कहता है कि वो उसको जो है प्रिसाइज और एक कंसाइज वे में बता दे कि रादर शी वांट्स टू बी विद हिम और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मेनली ही विश टू गेट अ प्रिसाइज एंड क्लियर कट शॉर्ट आंसर। लिख लें, द पोएट विशेस टू गेट अ प्रिसाइज एंड क्लियर कट शॉर्ट आंसर फ्रॉम हिज बिलव्ड अबाउट द लव इन्वॉल्व बिटवीन देम। Short answer from his beloved about the love involved between them both. Between them both. He is burning in love. And he would like to have affirmative answer. He is burning in love and he would like to have affirmative answer from his beloved. But even negation, NEGATION, but even negation would be less painful than present state of uncertainty. But even negation would be less painful than the present state of uncertainty. He is waiting for the response of his proposal to her. He is waiting for the response of his proposal to her. And these prolonging moments of wait are raising. And these prolonging moments of wait are raising agony of heart for him. And these prolonging moments of wait are raising agony of heart for him. Acha, last stanza mein dekhiyega. And if he be ye, it shall be fain. And if he nay, friends are before. There is a sharp compare and contrast between the acceptance and negation seen in the last stanza. Likh le beta. अब वो लास्ट स्टैंजा के अंदर देखें, शुरू में वेरी फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो क्या पूछता है कि रादर इफ शी इज श्योरली, मतलब कि वो अगर उसके साथ है तो शी हैज टू आंसर यस। तो वो उससे कहता है कि भाई तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो और अगर तुम वाकई मेरे साथ हो तो फिर मुझे बता दो। नेक्स्ट में वो कहता है कि वो उससे जो है कहता है, पहले में तो वो यही कहता है ना कि अगर भाई तुम मेरे साथ हो तो तुम मुझे यस में आंसर दो, अपनी अकल इस्तेमाल करो और फिर एक ही दफा फैसला कर लो और फिर उस पर अमल करो।
सेकंड में वो यस और नो दो की बात करता है कि मतलब जो है उसकी उसका ये जो आ, आ, उसने उसको जितना लटकाया हुआ है वो उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है. तो लास्ट एंजा में जाके वो उसको बताता है कि देखो तुम्हारा नेगेट कर देना मेरे लिए लेस पेनफुल होगा एज कम्पेयर्ड के तुम मुझे इस तरह से लटका दो. तो अब वो कहता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है कि अगर तो वो उसको यस में आंसर करती है तो इट वुड बी मतलब ये एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा उसके लिए, और अगर वो उसको इनकार करती है निगेट कर देती है तो वो कहता है कि ये मेरे लिए तो फिर जो है हम हमेशा के लिए फ्रेंड्स ही रहेंगे, तो तुम्हें तुम्हारी मिल जाए तुम्हारा जो साथी है वो मिल जाएगा और मुझे मेरी बेलव मिल जाएगी. तो यहाँ पे बेसिकली वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है यस और नो को, निगेशन को और एक्सेप्टेंस को. मोर ओवर वो एक ट्रुथ और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन को भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है. वो कहता है व्हेन एवर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन सम रिलेशन, ठीक है, जब आपके रिलेशन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है या अनप्रिडिक्टेड लव होता है तो दैट इज वेरी पेनफुल, रादर देन इट शुड बी मतलब कि उसको टोटली निगेट कर देना चाहिए या फिर उसको टोटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो वो तो स्टेट समझ आती है, लेकिन ये जो अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, ये जो टू साइडेड स्टेट है, ये जो है दैट इज वेरी पेनफुल एंड ही इज जस्ट वेरी ऑफ दैट पेन. और वो इतना ज्यादा इस पेनफुल सिचुएशन से इतना थक गया है कि वो अपने बेलव को कहता है कि यू हैव टू आंसर मी रादर यू आर विद मी और नॉट, ठीक है. तो यहाँ पे वो ये सारी चीजें उसको बताता है. अब आपकी एक ही पॉइंट रह गई है, फ्री फॉर मी, वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे. इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो जरा अपनी करंट नोट्स को लिएगा, उसके अंदर लिखी हुई है, वहां पे देख लेते हैं. मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स, खोले बेटा अपनी करंट नोट्स को लिएगा. In the first verse of the song, the narrator challenges his lady directly to decide whether she is accepting of his suit, कि वो उसके रिश्ते को accept करती है या नहीं करती, कि वो इस state में है या नहीं. In the first four line, he asks her to give up her tricks and rely instead on her wit to impress him and show her true words. और वो उसको कहता है कि first four lines में क्या, कि वो अपनी ये तमाम ट्रिक्स जो है या जेस्टरी जो है या ये जो वो इशारों से उसको बुलाती है, अब ये उसको खत्म कर देने चाहिए और अपनी विट को जो है रिलाई करना चाहिए उसको अपनी विट के ऊपर, टू इम्प्रेस हिम एंड शो हर ट्रू वर्ड्स. और फिर वो ही एक्सप्लेन इन द सेकंड वर्स दैट ही बर्न्स विद पैशन एंड रिक्वेस्ट इफ शी हैज एनी कंपैशन फॉर हिम शी वुड टेल हिम क्लियरली यस और नो. और वो जो है वो बताता है, वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड और हार्ट बताता है, वो अपनी स्टेट बताता है कि वो इस वक्त जो है बर्निंग सिचुएशन के अंदर है, वो बर्न हुआ हुआ है विद पैशन. सो शी हर सो हिज बिलव्ड हैज टू आंसर हिम इन यस और नो, ताकि वो एक फाइनल जो है रिजल्ट तक या फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सके. बाय द फाइनल वर्स ही सेज दैट ही विल बी हैप्पी विद द आंसर यस इफ शी सेज नो, देन दे विल रिटेन return to being friend as they were born, they were before. She will then be free to move on to get herself a new man, and the narrator will be independent again and no longer possessed by the lady. Critical और फिर वो last उसके अंदर क्या कहता है कि अगर तो वो yes कहती है तो उसके लिए खुशी का लम्हा होगा और अगर no कहती है तो वो friends होंगे. और फिर वो क्या कहती है, she will then be free to move on to get herself a new man, कि वो फिर वो भी फ्री हो जाएगी कि उसको एक न्यू मैन मिल जाएगा और ये भी फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि अब वो फिर दोबारा इस लेडी को पोजेस नहीं करेगा और न्यू लेडी पोजेस कर लेगा. क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं. द सॉन्ग इज डायरेक्ट एंड इट्स मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. इट इज कंट्रास्ट टू प्लेंटिव अपील्स ऑफ द रॉन्ग लवर इन दैट द नैरेटर आस्क्स डायरेक्टली फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लेडीज ट्रू फीलिंग. The opening address is polite but curt. The narrator does not wish to use in many words, the implication being that many may have already been wasted on this subject. The brevity and clarity of purpose and direction in this song is refreshing, deviating from traditional sorrowful and grief-stricken appeal to the lost love. इस poem की जो brevity है, यानी कि conciseness है, कम लव्स में
जो ब्रेविटी कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करते हैं ना, बहुत सिंपल वर्ड्स में और क्लियर कट वे में बात करना, उसको कहते हैं ब्रेविटी. एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस और डायरेक्शन जो है इस सॉन्ग में वो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है. डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोरोफुल एंड ग्रीफ स्टिकन अपील टू द लॉस्ट लव, वो एक डेविएशन है ट्रेडिशनल सोरोफुल और ग्रीफ स्टिकन अपील टू द लॉस्ट लव. द नैरेटर टेल्स द लेडी टू लीव हर बोर्ड्स और ट्रिक्स एंड इंस्टेड रिवील हर विट पब्लिकली, और नैरेटर जो है वो बताता है लेडी को कि वो अपने बोर्ड्स और ट्रिक्स को छोड़ दे और वो डायरेक्टली रिवील करे अपनी विट को पब्लिकली. हियर वर्ड सजेस्ट दैट द लेडी हु इज इंटेंडेड ऑडियंस इज मोर देन द एवरेज कोर्ट ब्यूटी, शी हैज इंटेलिजेंस टू, अ ट्रेट नॉट ऑफन कमेंडेड इन वीमेन एट दैट टाइम. दिस अपील टू द लेडी टू शो हर क्लेवरनेस पब्लिकली would fit with the historical accounts of Anne Boleyn as sharp and knowledgeable women as well as great beauty. In the second verse, the narrator talks of himself as one who burns always. This expression, और यहाँ पे जो है second verse के अंदर देखिए, अब यहाँ पे जो critical appreciation चल रही है ना, ये verse by verse और stanza by stanza चल रही है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप फिर खाली समरी नहीं लिखेंगे. उसने इसके अंदर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो क्लैरिटी और ब्रेविटी ऑफ पर्पस है, डायरेक्शन है, और फिर वो जो है एन बोलाइन का फिर उसमें जिक्र भी करता है, और सेकंड वर्स के अंदर जो नैरेटर है टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ एज वन हु ऑलवेज बर्न. ठीक है, तो वन यहाँ पे जो सेकेंड वर्स है आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा और ऑलवेज बर्न को अंडरलाइन करते हैं. This expression could suggest that he is tortured by his rejection. Tortured by rejection, point the line kijiyega. And there are other implications to his phrase. The narrator could equally burn with anger, shame, or even in recognition of his sin. A likely interpretation of White's intention would be combination of these. Courtly liaisons were rarely private affairs for long, and White had at least two relationships that were controversial and public. One with Anne Boleyn and other with Elizabeth Darrell. In addition to this, White marriage was destroyed by his wife's infidelity. The author certainly experienced both burnt in relationship. He asks if she has pity, but does not directly ask for pity. This distinction is important in affirming the strength of the narrator in the relationship. The final word suggests that yes or no will not have dramatic implications. ठीक है, यस और नो की कोई भी ड्रामेटिक इम्प्लीकेशंस नहीं है, बल्कि क्या है, रादर क्लियर एंड पर्पसफुल वंस. इफ शी अग्रीज टू हिज सूट देन ही विल बी फेन हैप्पी. देयर इज ऑफ कोर्स अ क्लेवर पन एट यूज हियर, द होमोफोन फाइंड्स मींस फॉल्स एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू टेल द टू वर्ड्स अपार्ट विदाउट सेइंग द रिटन वर्ड्स. If the narrator is rejected, he says that they will return to being friends. There is no implication that he will be destroyed by grief or will mourn forever. यहाँ पे देखिएगा जो narrator वो कहता है कि अगर मैं reject हो जाता हूँ तो he says that he will return to be friends. तो वो हमेशा friends ही रहेंगे. और there is no implication that he will be destroyed by grief or will mourn forever. और इसकी कोई implication नहीं है कि वो जो है उसकी मोहब्बत में शायद ग्रीफ में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और विल मॉर्न फॉर एवर, और हमेशा वो फॉर एवर मॉर्न ही करता रहेगा, गम में रहेगा. द रिजल्ट विल बी अनड्रामेटिक. द नैरेटर कैलुअसली इम्प्लाइज दैट द लेडी विल मूव ऑन टू एन अदर लवर, द ही हाउएवर विल बी कंटेंट टू माइंड ओन हिज ओन मैन. यानी कि दैट इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन केस ऑफ यस और नो. ठीक है, तो यस और नो का एंड में वो एक कंक्लूजन निकालता है कि यस हुआ तो क्या कंक्लूजन होगा, क्या तो क्या रिजल्ट होगा, और अगर नो हुआ तो क्या रिजल्ट होगा. आफ्टर दैट हिज फाइनल वर्ड शो दैट ही विल बी रिलीव्ड ऑफ रिलीव्ड टू नो लॉन्गर बी ओन्ड बाय द लेडी. हिज फ्रीडम साउंड्स मच मोर अपीलिंग देन हर रिटर्न टू फेकरी ऑफ कोर्टली रिलेशनशिप, विच अगेन अफर्म्स द स्ट्रेंथ ऑफ नैरेटर एज अपोज टू द ऑडियंस. और उसकी जो फ्रीडम है वो साउंड मच मोर अपीलिंग है देन हर रिटर्न टू द फेकरी ऑफ कोर्टशिप रिलेशनशिप, विच अगेन अफर्म करती है वो स्ट्रेंथ ऑफ नैरेटर कि वो अपोज एज अपोज टू द ऑडियंस. ठीक है, एज अपोज टू ऑडियंस जो है ये सारी चीजें जो है अफर्म करती है स्ट्रेंथ ऑफ द नैरेटर को.
ये बेटा आपका जो है आज सेकंड लास्ट पोएम जो है एंड हो गई है, कल आपकी लास्ट पोएम भी इंशाल्लाह एंड हो जाएगी और वाइट जो है वो आपका एंड हो जाएगा। आप लोगों ने अब जो है इसकी जो क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हैं वो तीनों की तीनों जो है आज इसको सॉल्व करें। बेटा बात सारी ये है, नाउ वी हैव जस्ट 6 months लेफ्ट, जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया वो तो रह गए फायदे में क्योंकि उनकी इस वक्त बेस बन चुकी है, वो चल रहे हैं आराम आराम से, भी चलाऊंगी तो वो चल जाएंगे। लेकिन जो लेट कमर्स हैं ठीक है, उनका हम सबसे ज्यादा फिक्र ये होगी कि हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा। लास्ट 6 months के अंदर हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। मैं पूरी क्लास को अब ये बताने जा रही हूँ कि बेटा अब नाउ बी रेडी, मेंटली रेडी। आपको एक एक दिन में कई कई टास्क करने होंगे। आपको टेस्ट इसलिए नहीं दिया था मैंने इस दफा और आप लोगों का टेस्ट कैंसिल करने का मकसद ये था कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। एक एक पोएम करवाई थी, छोटी छोटी पोएम थी और स्टूडेंट्स ने उसकी भी असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं की। अभी आगे आगे आपका और ज्यादा काम शुरू हो जाएगा बिकॉज अभी एट दिस टाइम हमारी पूरी पोइट्री का टेक्स्ट रहता है, पूरा ड्रामा का टेक्स्ट रहता है और अगर हम इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने लगे तो फिर आपका हो गया इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो टू सेव द टाइम अपनी थोड़ी सी स्पीड तेज करें क्योंकि मैं आखिरी 6 महीने में बेटा स्टूडेंट्स को बहुत रगड़ा था। अभी ये प्यार और ये आराम आराम वाली जो हमारी स्पीड है ना, जो हमारी जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पैदल चल रहे होते हैं, उसके बाद हम घोड़े की स्पीड पे आ जाते हैं, उसके बाद हम जहाज की स्पीड पे आ जाते हैं एंड फाइनली हम रॉकेट की स्पीड पे होते हैं। एट दैट टाइम अब हमें जो है वो जहाज की स्पीड पकड़नी पड़ेगी बिकॉज बेटा देखें बात सुने, आप लोगों की है 22 से 26 किताबें जो कवर करनी है। ठीक है, जो ये अब जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया उनका 3rd सब्जेक्ट है, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया उनका 1st सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से आप लोग डेली का काम काइंडली बेटा डेली किया करें। दैट इज द रॉन्ग थिंग कि आप नहीं करें। इंग्लिश लिटरेचर जो है मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी है, बहुत लेंदी है। जितना इंग्लिश सिलेबस का सब कोर्स आउटलाइन है ना, स्टूडेंट्स ये समझ के आते हैं कि जी हमने 3 महीने में बीए कर लिया तो शायद इंग्लिश लिटरेचर भी 3 महीने में हो जाएगी। वो आप पूरे बीए की सारी किताबें इकट्ठी कर लें तो वो टोटल हार्डली मेरे ख्याल है बनती है 6 या 7 किताबें मुश्किल से, जिसमें पतली सी इस्लामियत की किताब थी, पतली सी पाक स्टडीज की किताब थी और मुझे याद है वो जो मेरी इंग्लिश की 3rd year और 4th year की बुक्स थी वो भी पतली पतली सी ही थी। ठीक है, और उन पतली पतली किताबों में से एक एक किताब में से तकरीबन 10-10 सवाल आ जाते थे। यहाँ पे वो पतली किताब कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मोटी किताब है और उस मोटी किताब में से एक ही सवाल आना है। तो वो भूल जाएं 3rd year वाला और 4th year वाला, वो जितने सब्जेक्ट्स थे मुझे आज भी याद है, मेरी जो पर्शियन की बुक थी वो भी पतली सी थी, इस्लामियात की बुक भी पतली थी और सोशल स्टडीज की बुक भी बिल्कुल पतली सी थी, चंद एक चैप्टर्स थे। अगर वो आप कर लें, पास्ट पेपर प्रिपेयर कर लें, आपका बीए 3 महीने में कवर हो जाता। मेरी इकोनॉमिक्स थी बीए में, 2 किताबें थी, सारा मैथ सब्जेक्ट था लेकिन वो भी पतली किताबें थी और 1 3rd year की बुक में से तकरीबन मेरे ख्याल है 10 सवाल आए थे जिसमें से शायद मैंने 8 सवाल करने थे, एक ही बुक में से आए थे। यहाँ पे आपकी एक बुक में से एक सवाल आना, तो अब आप ये देख लें कि सिलेबस कितना ज्यादा है। अपनी स्पीड बढ़ाएं क्योंकि मैं स्पीड ज्यादा करने जा रही हूँ, ठीक है, और जो जो स्पीड के साथ चलेगा मेरे साथ चलेगा बेटा उसका तो हो जाना सिलेबस कवर। लेकिन जिसकी स्पीड अब कम हो फिर वो पीछे रह जाएगा, फिर बेटा एंड पे जब मैं ग्रैंड टेस्ट लूंगी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हम वो करें कि ये करें। मैंने अप्रैल तक जितने भी जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ ये सारे फ्री हो जाने, ये सारे ग्रैंड टेस्ट में ऐड हो जाएंगे, इनका एक न्यू बैच बन जाना। पीछे रह जाएंगे लेट कमर्स। लेट कमर्स के 2 बैचेस होंगे, बहुत सारे लेट कमर्स होते हैं जो कहते हैं मैम हमने टेस्ट सेशन में भी अपेयर होना है, हमने जो है आपकी रेगुलर क्लासेस में भी अपेयर होना है, वो 2 घोड़ों पे सवार हो जाते हैं एंड टाइम। ऑल दो वो कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करते, लेकिन देखें बेटा बर्डन कितना ज्यादा होता है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो गया, कोई शादी का इवेंट आ जाता है, कुछ भी कोई सीरियस इश्यू हो जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइफ होती है ना ये बड़ी अनसर्टेन होती है। लास्ट ईयर
हर साल मैं बच्चों को स्टूडेंट्स को ये चीज समझा रही होती हूँ कि बेटा जो आपके पास फारिग वक्त है ना उसको गनीमत जाने, इस वक्त को आप गनीमत समझे जिसमें आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, आपके फैमिली वाले घर में सब ठीक है और कोई मसले मसाइल नहीं है। घर में एक बंदा भी बीमार होता पूरी फैमिली अपसेट हो जाती है। ठीक है, एक शादी का फंक्शन आता वो पूरा हफ्ता क्या, हफ्ते के बाद महीना क्या, और महीने के बाद भी वो शादी खत्म नहीं हो रही होती, उसकी तैयारियां खत्म नहीं हो रही होती। ठीक है, उसके बाद दावतें तो पता नहीं क्या और क्या 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 क्या, तो वो एक फैमिली में एक शादी होती है पूरा खानदान गर्दिश में आया हुआ होता है। तो आप ये देख लें कि बेटा फैमिली लाइफ ऐसी ही होती है और सबकी ऐसी ही होती है। घर में एक बच्चा बीमार होता पूरा खानदान जो है वो घुमा हुआ होता है। तो दैट इज द फैमिली लाइफ, ऐसे ही होता है। स्पेशली क्योंकि मैं लेडीज को पढ़ाती हूँ तो लेडीज को ये मसले मसाइल बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। आप लोग ज्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू मेन। सो बेटा अपना जो आपका फ्री टाइम है ना, जैसे अभी ये बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स थी मैंने एक एक दिन में आपको पढ़ाई, उसमें भी स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया। तो बेहतर है फिर मैं ज्यादा पढ़ा दूँ क्योंकि मुझे पता स्टूडेंट्स ने तो काम करना ही नहीं है। बेहतर है ना, फिर जब स्टूडेंट्स ने काम ही नहीं करना फिर रहने देते, सैटरडे संडे भी आप लोग जाया कर दें, उसको कम से कम यूज कर लें, अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, बाद में सो दीजिएगा जितना सोना, सिर्फ 6 महीने की बात है। मैम मेरी वाकई में मसरूफियत, यकीन करें मैं कभी भी जो आपका रेगुलर होता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं जो कभी कभी काम करते हैं और ज्यादातर नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बेटा काम किया करें, और स्पेशली जो लेट कमर है, ये तो सीमाव है या मलिया है, इन्होंने तो शुरू से ज्वाइन किया, इनका मतलब काफी सारा काम हुआ हुआ है। ये इस वक्त थर्ड अपनी बुक स्टार्ट कर चुके हैं, थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, इनके लिए इतना मसला नहीं है, इन्होंने तो फ्री हो जाना अमेरिकन लिटरेचर के बाद। ये दोनों लड़कियां फ्री हैं जिन जिन्होंने स्टार्टिंग में, ये जो पीछे है ना आपके बाद बहुत सारे आए, ये जो है ना एंड में जाके फंसते हैं। फंस तो नहीं जाते लेकिन मेरे लिए बड़ी टेंशन है कि मेरा स्टूडेंट मेरे पास आया है और वो सिलेबस कवर नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला बैच गया था उनको मैंने 2.5 महीने में सिलेबस कवर करवाया था स्टूडेंट्स को। हमने मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस रखी हुई थी और एट दैट टाइम मैंने इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था कि आपकी सोच है, ऑल्दो जिन्होंने किया उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस चीज की कदर नहीं करते। मैं इतनी डिप्रेस हुई ना स्टूडेंट्स की, मतलब हार्डली मेरे ख्याल है उस बैच के अंदर जो आए थे स्टूडेंट्स वो 30+ या 40+ थे, जिसमें मैंने फ्री में स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा गाइड कर दिया था, फ्री में मैंने उनको इतनी ज्यादा ऑडियोज वगैरह फ्री में वैसे ही दे दी थी कि यार बेटा बैठो और पढ़ो और मुझे पास होके दिखाओ। लिटरली स्टूडेंट्स नहीं कदर करते। फिर क्या होता है कि फिर बंदा कहता है यार आराम आराम से पढ़ाओ और स्ट्रीम लाइन में पढ़ाओ, क्योंकि स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है, आप उसको ऑडियोज भी दे देंगे वो फिर भी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मेरा पहला बैच था जिसको मैंने मॉर्निंग इवनिंग रमजान में भी बिठा के पढ़ाया था, लेकिन जब मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिला जितनी मैंने मेहनत की थी, हम सहरी के टाइम भी मैं अपने उस बैच को कॉल कर लेती, हम 3-3 दिन दफा भी हमने उस एक बैच को पढ़ाया मैंने, लेकिन द थिंग इज दैट जब स्टूडेंट इस तरीके से बिल्कुल उस चीज को सीरियस नहीं लेता, एक बंदा आपको इतना सिंसियर होके पढ़ाता और आगे से स्टूडेंट उस तरह से, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जी अपेयर ही नहीं हुए कि मैम हमने तो तैयारी कोई नहीं की, और मैं उनको उस वक्त कहती रही कि यार तुम लोग पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इस तरह से तुम्हें कभी कोई नहीं पढ़ाए, बट दे हैव नेवर एवर केयर फॉर दैट कि नहीं मैम अब कह रही हैं या हम पढ़ लें या कुछ भी। तो दीज आर द थिंग्स बेटा, जस्ट ये जो आपको वक्त मिला है, लोग मिले हैं, आपका ये जो बैच है इसको गनीमत समझे। आप लोगों को जो पूरा आप लोगों का ये जो ग्रुप बन गया ना, अब आप एक काम करें, आप एक टीम बन जाए, ठीक है, एक दूसरे की सपोर्ट बन जाए, क्योंकि मोमिन मोमिन की ढाल होता है और जमात पे अल्लाह ताला का हाथ होता है। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ सीमा पार्टिसिपेट करेंगी या फिर मलिहा ने ही सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं या फिर जिया ने पार्टिसिपेट करना है या इरम ने पार्टिसिपेट करना है। यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट एंड यू ऑल हैव टू डू, मतलब आप देखें जो मेरी टॉपर है, जो मैंने जिसका बताया था लास्ट ईयर वो 2 बच्चों की माँ है, उसने 2.5 महीने में अलोंग विद माय ऑडियो लेक्चर्स और मेरे लाइव लेक्चर्स उसने दोनों को कवर किया।
और ऑन पेमेंट उसने पैसे मतलब पे करके मुझे उसने विद इन 15 मिनट्स ही हैज डिसाइडेड कि मैम मैं आपके पास ही करूंगी और मैंने आपसे ही करना, और उसने बकायदा मुझे सारे पिछले लेक्चर्स की ऑडियोस की पे करके और सारा उसने मुझे तैयार करके सारा टेस्ट दे के एंड में वो इतनी 2.5 महीने में तैयार थी, हालांकि वो अपने घर के झाड़ू बर्तन रोटी इवन उसको ये फिक्र होती थी मैम अर्ली मॉर्निंग लेक्चर रख दें क्योंकि फिर मेरे सास ससुर उठ जाएंगे, मैंने उनको चाय बना के देनी होती है और मैंने उनको नाश्ता बना के देना है और आफ्टर दैट मुझे झाड़ू लगाना है, फिर मैंने जो है कपड़े धोने हैं तो अब मैंने मशीन लगानी है और ये। और आपको पता है बुजुर्गों वाले घर में मेहमान बहुत ज्यादा आते हैं, कभी बेटे बेटियां मिलने आ जाते हैं, कभी कोई कभी कोई, तो दैट वाज अ कंबाइंड फैमिली जिसके अंदर वो लड़की रहती थी, तो बहुत बड़ी बात है कि उसने इस तरह के माहौल में एडजस्ट किया और शी वाज सो पॉजिटिव कि मैंने उसके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, इतनी वो लड़की पॉजिटिव थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरे घर में बहुत ज्यादा काम है या मुझे करना पड़ता है, उस चीज को उसने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और अपनी खुशी समझ के काम किया। हालांकि उसका हस्बैंड भी पाकिस्तान में था, वो ये भी कह सकती है कि मेरा हस्बैंड पाकिस्तान में नहीं है, मैं क्यों अपने ससुराल में रहूं और इनकी खिदमतें करूं, बट दैट इज हर पॉजिटिविटी। और मैं उसकी अभी भी वो उस दिन उमरे पे जा रही थी, उसका वो हमेशा मुझे जरूर याद करती है, उमरे पे जा रही थी तो उसने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया कि मैं उमरे पे जा रही हूँ, तो मैं इकरा को एक ही बात कहती हूँ, इकरा मैं आपको आपके नंबरों की वजह से याद नहीं करती, मैं आपको आपके कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी की वजह से याद करती, तो ये होती है बेटा एक रिस्पेक्ट होती है जो हम इंसान दूसरे को देते हैं, बाकी नंबर स्टूडेंट्स आएंगे आके चले जाएंगे वो चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो पॉजिटिविटी, और बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको पॉजिटिविटी दी है, और ये उसकी पॉजिटिविटी है कि उसका माइंड इतना ज़्यादा काम करता है कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और जब एट द एंड स्टूडेंट्स ने उससे पूछा कि आपने क्या पढ़ा था जो आपके इतने ज्यादा मार्क्स आए, तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ करंट नोट्स पढ़े थे और सिर्फ जब मैम पॉइंट्स बताती थी मैं वो करती थी, मुझे तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता था, और बाकी उसके पास नहीं टाइम होता था, उसके पास सिर्फ एक अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता था, लेकिन आप देखें उसने उन मॉर्निंग के 3 से 4 घंटों को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। घर में एक बच्चा जो है, एक बच्चा स्कूल जाने वाला होता था, दूसरा गोदी वाला बच्चा था उसका, जो बार बार उठ जाता था, मैं लेक्चर देती थी तो वो हैंड फ्री लगा के सुनती थी कि मेरा बच्चा साथ लेटा हुआ है वो उठ जाए। तो बेटा ये होते हैं स्टूडेंट्स जो वाकई काम करके दिखाते हैं, लेकिन इस तरह के स्टूडेंट्स जो है ना वो आटे में नमक के बराबर होते हैं। पहला जो मेरा बैच गया था 2.5 महीने में, एक लड़की को जैसे मैंने आपको बताया था उसको तो मैंने रातों को उठ उठ के 4 पेपर क्लियर करवाए। तो अगर स्टूडेंट फिर इस तरीके से नहीं परफॉर्म करता तो हम जैसे टीचर्स जो होते हैं ना, जो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आगे जाएं, वो फिर कहते हैं कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो स्टूडेंट्स ने काम ही कुछ नहीं करना। और अभी भी आप लोगों के बैच का यही हालात है कि आप लोग ना तो टेस्ट में सीरियस होते हैं, ना आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आप सीरियस हैं, ना आप पॉइंट्स में अप्रिसिएट। अभी आगे पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट हो जाएगी, वो तो फिर थाउजेंड्स ऑफ लाइन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर और उसके बाद वो फिर रेप ऑफ द लॉक स्टार्ट हो जाएगी, वो इतनी लंबी पोएम है, ये तो छोटी छोटी पोएम्स थी, अभी तो मुश्किल काम शुरू हुआ नहीं, अभी तो होने लगा है। और ये मैं बता दूं वाइट एंड सरे ये लास्ट काम है, लास्ट पोएट्री बुक है जो कि आसान है, अभी सब मुश्किल शुरू होने वाला है, इसलिए मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए। स्पेशली अमेरिकन लिटरेचर इज सो मच कन्फ्यूजिंग, अमेरिकन लिटरेचर में जाके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि आप इसको कैसे करें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो अमेरिकन लिटरेचर होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री ड्रामा एंड नॉवल, 4 पोइट्री की बुक्स हैं, 2 ड्रामा की बुक्स हैं और 2 नॉवल्स की बुक्स हैं। तो अभी से अगर आपके बेस नहीं बनी होगी बेटा अमेरिकन लिटरेचर नहीं समझ आनी, ठीक है, तो अपने आप को जो है तैयार करें इसके लिए कि हमें करना है। हाँ जी राबिया बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? ये जो आप कह रही हैं ग्रैंड टेस्ट होता है, ये लाइक आप कब लेती हैं? मई में बेटा, लास्ट मंथ में एग्जाम से पहले शुरू हो जाते हैं आप लोगों के। अच्छा, तो आपको किस तरह से 1.5 महीने के अंदर 8 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, तकरीबन 8 वीक्स का, 8 to 10 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, उसमें कुछ ऐसे होता है कि हम 2 बुक्स जो है ना पर वीक के हिसाब से, या 4 बुक्स या आधा सब्जेक्ट या फुल सब्जेक्ट करके ना हम डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से डिवीजन होती है उसमें,
लास्ट ईयर की ना आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट की डेट शीट जो है वो बकायदा आपकी डेट शीट आती है एकेडमी में अनाउंस होती है और फिर स्टूडेंट्स जो है वो फिर बाहर से भी आते हैं अपनी एकेडमी के भी होते हैं बाहर के भी होते हैं फिर उनको वो अलहदा प्रिपेयर करवाया जाता है फिर मेरे बैजेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं दो फिर पार्ट वन के हो जाते हैं दो पार्ट टू के हो जाते हैं लेकिन वो बस एक महीने की बात होती है उससे ये होता है स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है जी मतलब मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था तो मैं वो ग्रैंड टेस्ट ज्वाइन कर लूंगी ना हाँ जी बिल्कुल आप सारे ही करेंगे मैं तो सबको ही कहूंगी बाहर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं टेस्ट के नाम से ही हालांकि कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती वो उसमें आपको पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करवाए जाते हैं दोबारा से वैसे तो पास्ट पेपर्स हम अभी भी प्रिपेयर करते हैं लेकिन उसमें जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ना इनकी हो जाते हैं इस दफा इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली अभी वो जो पार्ट टू वाला बैच गया ना इनके आने जबरदस्त किस्म के मार्क्स क्योंकि उस इस दफा जो मेरे पास ग्रैंड टेस्ट में स्टूडेंट बैठे हुए थे सिर्फ पार्ट टू के वो हो गए थे तकरीबन आई थिंक 60 के करीब तो उनका जो रिजल्ट है ना अल्लाह करे अभी आने वाला एक दिन में